हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मोहिनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी। हमने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, और हमने छोले जो लिए हैं 200 ग्राम है मेरा छोला। इसे हमने रात में भिगो के रखा था, उसके बाद हमने सुबह उबाल लिया है। अब हमने टमाटर जो लिए उसका हम पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे, इसे हम गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा हाफ स्पून डालेंगे, हम हाफ स्पून जीरा, तेज पत्ता, काली इलायची जो हमने हरी मिर्च ली थी वो, और थोड़े से अदरक के टुकड़े, थोड़ी सी हींग, जो टमाटर का पेस्ट था वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से पकाएंगे। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एक स्पून सब्जी मसाला, 1 स्पून धनिया लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से पका लेंगे। मसाला मेरा पक चुका है लगभग। इसमें हम छोला ऐड कर देंगे। छोला इसे हम चलाते जाएंगे अच्छे से। इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे, 2 आलू हमने लिए हैं। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम अब पानी डालेंगे, पानी अपने अनुसार डालें, पतली गाढ़ी जैसी बनो। इस तरह छोले की सब्ज़ी बने बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने डेली यूज के लिए बनाई थी, खाने के लिए, ऐसे कोई मन आ गया वीडियो बना लिया। इसमें हम अब छोला मसाला ऐड करेंगे, 2 स्पून। जब तक छोला मसाले में छोला का मसाला नहीं पड़ेगा तब तक छोले का टेस्ट भी नहीं आता है। नमक, नमक 1 स्पून, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पे हम 2 सीटी ले लेते हैं, तो देखते हैं ये सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। देख लीजिए बहुत ही अच्छी बनी है। और मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें प्लीज़। मेरे चैनल को सपोर्ट करें आप लोग।